अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार। डेगाना नागौर के शातिर चोरों से लगभग 30 दुपहिया और चौपहिया वाहन भी बरामद। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर में दोपहिया और चौपहिया वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सीताराम प्रजापत, पुलिस उप अधीक्षक उत्तरव्रत प्रियंका रघुवंशी, कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम ने साइबर टीम और मुखबिर की सूचना पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के पकड़े गए आरोपी राजेश बावरी और शंकर मेघवाल दोनों डेगाना नागौर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लगभग 30 दोपहिया और चारपहिया वाहन, जो अलग अलग जिलों से चोरी किए गए थे, बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि शातिर चोर रैकी करने के बाद चौपहिया वाहन पहले चुराते थे और उसमें दोपहिया वाहनों को रख कर चुरा कर फरार हो जाते थे। शातिर बदमाशों ने अजमेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू से अनेकों वाहन चुराए हैं। दोनों शातिर बदमाशों के खिलाफ विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों में बलात्कार, चोरी, लूट सहित अन्य धाराओं में कई मामले भी लंबित हैं। अजमेर जिले में, विशेष रूप से अजमेर शहर में बढ़ती हुई वाहन चोरी, जिसमें चौपहिया वाहन भी हैं और दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, लगातार चोरी की वारदातें बढ़ने की वजह से एडीएसपी सिटी के निर्देशन में और सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी, एसएचओ कृष्णगंज रवीश कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और वाहन चोरी के जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका डिटेल देकर के इनको एक विशेष अभियान में लगाया गया ताकि इन वारदातों का पर्दाफाश हो सके। हमारी स्पेशल टीम ने साइबर टीम का सहयोग लेकर के शहर में विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके और मुखबिरी करके वाहन चोरी के एक अंतर्राज्य गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके दो बहुत ही शातिर बदमाशों को आज गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है राजेश बावरी, निवासी रावलियावास, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर। दूसरा इसका साथी है शंकर मेघवाल, निवासी मोगास, थाना डेगाना, जिला नागौर। ये दोनों बहुत ही शातिर चोर हैं और इन्होंने अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक 28 दुपहिया और चौपहिया वाहन चुराए हैं, जो विभिन्न जिलों से चुराए गए हैं, विशेष रूप से अजमेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इन जिलों से इन्होंने करीब 30 से अधिक वाहनों को चुराया है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार है, ये लोग साथ में मोबाइल नहीं रखते, बिना मोबाइल के या उसकी सिम निकाल करके डोंगल का यूज़ करके बात करते हैं ताकि पकड़ में नहीं आ सके, और रात के समय घरों के बाहर जो वाहन खड़े रहते हैं उनकी रेकी करते हैं और मौका लगते ही सबसे पहले चौपहिया वाहन उठाते हैं। उसके बाद आसपास कहीं दुपहिया वाहन भी इनको मिलते हैं, उनको भी अनलॉक करके और अपनी चौपहिया वाहन गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। यानी एक साथ ये 2-3 वाहन चोरी करते हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। इसके खिलाफ जो अभियुक्त राजेश बावरी है, इसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज है, जिसमें एक रेप का केस भी इसके खिलाफ दर्ज है। कई बार जेल जा चुका है और वर्तमान में ये जिला चूरू में और डेगाना नागौर में भी गंभीर धाराओं के अपराध में वांछित है, गिरफ्तारी इसकी होना शेष है। इसी तरह जो शंकर मेघवाल है, ये बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, इसको कोर्ट से सजा हो चुकी है
और ये पैरोल पर परमिशन लेकर के आया था, लेकिन वहाँ से फरार हो गया, जिसके खिलाफ हमारे सिविल लाइन अजमेर थाने में इसका पैरोल से फरारी का मुकदमा दर्ज है। इसके खिलाफ भी पूर्व में एक दो मुकदमे चोरी के दर्ज हैं। इस प्रकार ये बहुत ही शातिर बदमाश हैं और इस अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश करने में हमारी जो स्पेशल टीम है, जो सीओ नॉर्थ की लीडरशिप में और एसएचओ कृष्णगंज के सुपरविजन में टीम गठित की गई, उसके प्रमुख सदस्य एसएचओ कृष्णगंज डॉक्टर रवीश, कानाराम एएसआई, भगवान सिंह हेड कांस्टेबल, किशोर कुमार हेड कांस्टेबल, हरिराम हेड कांस्टेबल, श्री किशन हेड कांस्टेबल, राम प्रकाश कांस्टेबल, सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल, हरेंद्र कांस्टेबल, मूलाराम कांस्टेबल, जगमाल सिंह कांस्टेबल और रणवीर सिंह हेड कांस्टेबल, ये पूरी टीम ने मिलकर काम किया। और इस टीम के जो विशेष वर्कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो श्री भगवान सिंह हेड कांस्टेबल, श्री किशोर कुमार हेड कांस्टेबल तथा रणवीर सिंह हेड कांस्टेबल है। इन्होंने लगातार मेहनत करके और इन तक अपनी पहुँच बनाई और इनसे गहन पूछताछ के बाद इतनी बड़ी वारदात का ये पर्दाफाश किया गया है। दोनों अभियुक्त वर्तमान में पुलिस कस्टडी में हैं। इनसे लगातार हमारी स्पेशल टीम पूछताछ कर रही है और इनसे और भी कई वारदात और इनके साथ जो वारदात में शामिल अपराधी वो कौन कौन है, उनके बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इनसे और वाहन बरामदगी की संभावना है तथा इनके साथी कौन कौन रहे हैं, उन सबको चिन्हित करके और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो वाहन चुराते थे, उन वाहनों को भी एक शातिर बदमाश से नागौर का उसको बेचते थे, जिसको हमने चिन्हित कर लिया है और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करके उससे भी अनुसंधान किया जाएगा। गाड़ियां कितनी अभी तक कोई गाड़ी बरामद हुई? अभी जो हमारी अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम ने एसएचओ कृष्णगंज की लीडरशिप में जो अब तक वाहन बरामद किए हैं, वो कुल 6 चौपहिया वाहन, जो बोलेरो कैंपर और बोलेरो गाड़ियां हैं, और 11 दुपहिया वाहन, जिसमें 10 मोटरसाइकिल है और एक स्कूटी है, ये बरामद हम कर चुके हैं। इसके अलावा इस एक बदमाश से तलवार भी बरामद हुई है और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। हमें उम्मीद है कि इनसे और भी वाहन बरामद होंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।